लॉस्ट स्प्रिंग, जिनकी ऑथर है एनेस जंग, और ये हमारी फ्लैमिंगो बुक का दूसरा चैप्टर है 12th क्लास का, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी कि चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। इसमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स आते हैं जो हमें चैप्टर समझने में आसान नहीं करेंगे, ये कुछ और वर्ड मीनिंग्स है। और फिर आता है हमारे पास ऑथर के बारे में, एनेस जंग। एनेस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था, और उनका जो बचपन और किशोरावस्था है वो हैदराबाद में बीती थी। उनकी जो एजुकेशन है, उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद से और अमेरिका से ली थी। उनके पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर थे, और एनेस जंग भी अपना करियर राइटर के तौर पर बना रही थी। एनेस जंग ने एडिटर और कॉलमनिस्ट के रूप में बड़े बड़े अखबारों के साथ काम किया, जो कि इंडिया में और अब्रॉड में दोनों में किया, और उन्होंने किताबें भी बहुत सारी किताबें लिखी। जो हमारे पास ये स्टोरी है वो भी उनकी एक किताब द लॉस्ट स्प्रिंग से ली गई है। वो स्टोरी इज़ ए स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और इसमें वो बताती हैं कि किस तरीके से जो हमारी ग्राइंडिंग पॉवर्टी यानी कि पीसती हुई गरीबी और जो हमारे ट्रेडिशंस है वो किस तरीके से चिल्ड्रंस की लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर हमारे पास स्टोरी आती है सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, कई बार मैं गार्बेज से कूड़ेदान से पैसे प्राप्त कर लेता हूँ। ये बात किसने कही है, क्यों कही है और कब कही है, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें स्टोरी को पढ़ने के बाद पता चलेंगे। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू यू डू दिस, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑथर है वो पूछती है साहिब से। इस स्टोरी में साहिब नाम का एक लड़का है जो कि एक रैग पिकर है यानी कि कूड़ा बिनने वाला है, और ये बातें हैं दिल्ली के सीमापुरी गाँव की। जो वो लड़का जो सीमापुरी से बिलोंग करता है, दिल्ली के जो पास में ही है, पास में नहीं थोड़ा सा दूर है लेकिन दिल्ली के आसपास में है। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो पूछती है साहिब से कि तुम ये सब क्यों करते हो। जो साहिब है ऑथर को सुबह सुबह रोज़ गार्बेज में कुछ ना कुछ गोल्ड की तलाश में ढूंढता हुआ मिलता रहता है उसे रोज़। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब अपने घर को बहुत पहले छोड़ चुका है। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। जो उनका जो घर था वो ढाका में ग्रीन फील्ड्स में था, ढाका यानी बांग्लादेश में उनके ग्रीन फील्ड्स में था, और अब वो उनकी मेमोरीज में भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स हिज हिज मदर टेल्स हिम, उनके साहिब की मदर ने उसे बताया था कि जो उनका घर है और जो उनके खेत है वो स्ट्रॉम में बह गए हैं, स्ट्रॉम के साथ बह गए हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लुक नाउ लिव्स। उनके साथ स्ट्रॉम के साथ उनके घर और फील्ड बह गए हैं। अब उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा था, तो वह बड़े शहरों में खाने की तलाश में आ गए हैं। गोल्ड से आप लगा सकते हो कि खाने की तलाश में वो आ गए हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, साहिब यहाँ पे ऑथर के क्वेश्चन का आंसर देता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलू द एडवाइस मस्ट साउंड। फिर यहाँ पे जो ऑथर है उसे कहती है स्कूल जाओ, लेकिन जो ये बात उसने आसानी से कही थी, ऑथर ने उससे आसानी से कही थी, वह रियलाइज़ करती है जल्दी कि ये जो बात थी वो बहुत ही ज़्यादा खोखली थी, उसके कुछ काम की नहीं थी। यानी कि ये जो बात, जो एडवाइस उसने दी थी, ऑथर ने साहिब से दी थी, ये उसके लिए एकदम खोखली थी, क्योंकि वह एक गरीब लड़का था, स्कूल जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। आगे देयर इज़ नो स्कूल इन माय नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब यहाँ पे जो साहिब है वो वापस से आंसर करता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाउ जोकिंग। अब यहाँ पे जो हमारी ऑथर हैं वो जोक करते हुए उससे कहती है अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तुम आओगे, तो फिर वो वापस से जवाब देता है हाँ मैं आ जाऊँगा। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ मैं आ जाऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों बाद ऑथर उन्हें फिर से देखती हैं कि साहेब उनके पास दौड़ता हुआ आता है और उसे पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई सी एम्बेरस्ड,
at having made a promise that was not meant. फिर से जवाब देते हुए ऑथर साहब से कहती है कि स्कूल को बनने में समय लगता है। वो ये बातें एम्बेरस्ड होकर कहती है क्योंकि उनको पता है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, इस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ऑथर है वो उनके लिए कोई स्कूल नहीं बनाने वाली थी। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबॉन इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिंक वर्ल्ड। लेकिन ऑथर यहाँ पे फिर एक बात कहती हैं, अपने मन में ही सोचती है यानी कि जो मेरे जैसे कि मैंने स्कूल का प्रॉमिस उससे किया है, वैसे ही पता नहीं कितने सारे प्रॉमिस उसके लाइफ में पड़े हुए होंगे, लेकिन वो कोई भी पूरा होने वाला नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों तक उसके जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया कि उसका नाम साहिब आलम है। साहिब आलम का मतलब होता है इस ब्रह्मांड का ईश्वर, दाता। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, साहिब को ये नहीं पता था कि उसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीन लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुल हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अनअवेयर ऑफ वॉट इफ ही न्यू हिज इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुल हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। जब उसे पता चलेगा कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी ईश्वर ईश्वर है, इस पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है उसके नाम का मतलब, तो वह इसे विश्वास करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। वह विश्वास नहीं कर पाएगा क्योंकि साहिब तो एक आम सा गरीब लड़का है और उसका नाम इतना ज़्यादा मीनिंगफुल है। अनवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद his friends and army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम के अर्थ से अनजान जो साहिब है अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है, नंगे पैर घूमता है, और वह सुबह के पंछियों की तरह निकलता है और दोपहर में गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और काफ़ी महीनों के बाद जो ऑथर है वो उसके ग्रुप के सारे लड़कों को जानने लग जाती हैं। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो जो ऑथर हैं वो पूछती हैं किसी एक से, उनके ग्रुप के किसी एक बच्चे से पूछते हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने आराम से उत्तर दे दिया कि जो उनकी मम्मी हैं उसको ऊपर सेल्फ से चप्पल उतार के नहीं देती है, इसलिए वो नहीं पहनता। ये केवल एक एक्सप्लेनेशन थी, ये सच बात नहीं थी। हालांकि उनके पास चप्पलें पहनने के लिए नहीं थी, वो बहुत सभी बहुत ज़्यादा गरीब थे। इवन आगे हैं, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। एक दूसरा लड़का था जिसने शूज़ पहने हुए थे और वो अनमैचिंग शूज़ थे, यानी कि दोनों ही शूज़ अलग अलग थे। वो लड़का एक एक्सप्लेनेशन देता है, क्या देता है कि अगर इसकी मम्मी ऊपर से उतार भी देती है तो वह उसे नहीं पहनता, उन शूज़ को नहीं पहनता। When I comment on it, he shuffles his feet and say nothing. जब author उस लड़के को कहती है उसके अलग अलग shoes के बारे में उसे कहती है, तो वो लड़का थोड़ा सा शर्मा जाता है, अपने जो पैर है उसे बदल लेता है, यानी कि पैरों को घुमा कर खड़ा हो जाता है। I want shoes, say a third boy who has never owned a pair of pair all his life. यानी पूरी ज़िंदगी में एक लड़के ने, जो तीसरा लड़का था उससे, वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए क्योंकि उसने पूरी लाइफ में अपने में शूज़ नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेजेस रोड। जब ऑथर ट्रैवलिंग करती है, सफ़र करती है, तो वह देखती है कि काफ़ी चिल्ड्रंस, काफ़ी बच्चे बिना चप्पल के, बिना शूज़ के नंगे पैर घूमते रहते हैं शहरों में और गलियों में, गांव की गलियों में ऐसे ही घूमते रहते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, इट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। अब एक और एक्सप्लेनेशन उन बच्चों में से आती है कि हमारे चप्पल ना पहनना पैसों की कमी के कारण नहीं है, यानी कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन नंगे पैर रहना एक ट्रेडिशन बन चुका है। अब ये एक्सप्लेनेशन देता है कोई एक बच्चा उनमें से, आई वंडर If this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty,
अब वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये केवल एक एक्सक्यूज़ है। जो ऑथर है वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये जो बच्चे ने दिया है एक्सप्लेनेशन वो केवल एक एक्सक्यूज़ है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि उनकी जो निरंतर बनी हुई गरीबी है उसे छुपा सके। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उड़ीपी वंस टोल्ड मी। जो ऑथर हैं उन्हें एक स्टोरी याद आ जाती है जो कि उड़ीपी के एक आदमी ने उन्हें सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड गो एंड ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट। बचपन में जब वह एक यंग बॉय थे तो वह स्कूल जाते थे और स्कूल के पास में ही एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर में उनके पिताजी जो थे वो पुजारी थे तो वह उस मंदिर में जाते थे। ही विल स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शू। और वह उस मंदिर में जाते थे रोज़ और शू की पेयर के लिए प्रे करते थे, एक जूते की जोड़ी के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन। 30 साल बाद जब ऑथर उस गांव में जाती है और उस टेम्पल के पास जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे सब कुछ उजाड़ हो चुका है। टेम्पल के आसपास उजाड़ है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। जो मंदिर है मंदिर के पीछे नया पुजारी रहता है और वहाँ पे प्लास्टिक की लाल और सफ़ेद रंग की चेयर रखी हुई है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग शॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज बैग स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। एक लड़का हाफता हुआ आता है और अपने मतलब उसने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म है, सॉक्स शूज़ भी पहने हुए हैं और वो अपना बैग फोल्डिंग पे पटक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू अ गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शू। अब उस लड़के को देखकर जो वो लड़का आता है हाफता हुआ, उस लड़के को देखकर जो ऑथर है उन्हें एक और लड़का याद आ जाता है जो कि प्रेयर करता था भगवान से एक शू की पेयर के लिए, एक जूते की जोड़ी के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। लेट मी नेवर लॉस दैम। और आखिर में उसे वो शूज़ मिल जाते हैं और वह बाद में कहता है कि मैं इन्हें कभी भी नहीं खोऊंगा। जो वो प्रेयर करता है लड़का उसको वो प्रेयर करता है उसके बाद उसे वो शूज़ मिल जाते हैं और फिर बाद में कहता है कि मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज। जो माता है गॉडेस यानी माता है एज ग्रांटेड हिज प्रेयर, उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली थी कि उसे शूज़ चाहिए थे तो उसने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक उन्होंने प्रार्थना सुनने के बाद क्या कहती हैं उधर, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वॉर शूज़। जो यंग बॉय है उस जो प्रिस्ट जो यंग बॉय है प्रिस्ट का जो सन है वो अब शूज़ पहने हुए था। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस। लेकिन जो हमारे नेबरहुड में जो बच्चे हैं रैग पिकर बच्चे हैं वो अभी भी शूज़लेस है, यानी उनके पास शूज़ चप्पल कुछ भी नहीं है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड मी टू रसीमापुरी। मेरी जो जानकारी जब उन सीमापुरी के रैग पिकर से भरी तो वह मुझे सीमापुरी लेके गए। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली। जो सीमापुरी थी वो कहाँ पे थी, दिल्ली का ही एक उपनगर था यानी दिल्ली से थोड़ी दूर में था। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो अवैध जमीन मतलब अवैध रूप से रहते थे उस ज़मीन पर
जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे, वो सभी लोग 1971 में बांग्लादेश से वे यहाँ पे आए थे सीमापुरी में। साहेब्स फैमिलीज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी इनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी पहले एक वीरान जगह होती थी, यहाँ पे ज़्यादा कोई लोग नहीं थे। इट स्टील इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। इट स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पुलिन, डिवॉइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। अब यहाँ पे जो सीमापुरी में लोग रहते थे, मतलब यहाँ पे सीमापुरी में जब लोग आ गए थे, पहले तो यहाँ पे वीरान जगह थी, लेकिन अब सीमापुरी में लोग आ गए थे और वो यहाँ पे टिन और टर्पुलिन यानी कि यहाँ पे टिन वगैरह डालकर रहने लगे थे, यानी यहाँ पे पक्के मकान भी नहीं बनाए हुए थे, ऐसे ही रहने लग गए थे टिन टर्पुलिन गिर कर। और वहाँ पे कोई सीवेज की व्यवस्था नहीं थी, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं थी और रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ पर 10,000 जिंदगियाँ रहती थी रैक पिकर्स यहाँ पे 10,000 संख्या में रहते थे। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। यहाँ पे वो 30 साल से बिना किसी आइडेंटिटी के रह रहे हैं, किसी बिना किसी परमिट के रह रहा है। बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वाटर लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन। लेकिन उनके पास एक चीज़ है राशन कार्ड, जिससे कि वो वोट दे सकते हैं और अपने लिए राशन खरीद सकते हैं। सिर्फ राशन कार्ड है उनके पास। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। ये है कि जो आइडेंटिटी, अपनी पहचान से ज़्यादा हमें खाना ज़रूरी है जीवन के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमच, वी वुड रादर लाइव हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन। यानी कि वहाँ पे से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारी, वैन आई आस्क दैम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटिफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर। जब ऑथर उन वहाँ पे बैठी हुई कुछ लेडीज से, औरतें वहाँ पे ग्रुप बना के बैठी हुई थी, फटी हुई साड़ी में बैठी हुई थी, तो उनसे पूछती है कि आप सभी ने यहाँ पे अपने अपने फील्ड्स को, सुंदर सुंदर जगहों को यहाँ पे छोड़कर क्यों आए। तो फिर वो बताती है कि हमारे वहाँ पे खेतों में ज़्यादा फसल होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म आते रहते हैं और हमारी जो ज़मीन है वो सारी ख़राब हो चुकी है। और वहाँ पे रहने से अच्छा तो हम यहाँ पे रह लेंगे, जहाँ पर हमें कम से कम रात को दो रोटी तो मिल जाती है, यानी खाना मिल जाता है, और हम बिना किसी पेट दर्द के आराम से सो जाते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम्स ट्रांसिस्ट होम। यानी कि वह उनके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी उन्हें खाना मिलेगा वह अपना टेंट वहीं पे ही लगा लेगी, मतलब अपना होम वहीं पे ही लगा लेंगी, बना लेंगी एक टेंट लगा कर। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल। और जो बच्चे हैं वो उनके बीच में ही बड़े होते हैं और उनके ही आजीविका का हिस्सा बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और वो ऑथर बताती हैं कि जो सीमापुरी में रहना मतलब कि कूड़ा बिनना है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग कूड़ा बिनते थे, उनके पास करने के लिए और काम नहीं था। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। जो ये है मतलब सालों के बाद अब ये कूड़ा बिनना भी उनके लिए एक अच्छा आर्ट बन चुका है, अच्छी कला बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो कूड़ा है वो सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ बट फॉर अवर चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। यानी कि उनके लिए जो कूड़ा है वो सोना है और उनके लिए वो डेली ब्रेड है। और जो उनके ऊपर सिर पर जो छत है, बेशक वो लीक करती हो, लेकिन उनके लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात है। आगे
आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। यहाँ पे देखो ये लाइन हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आई थी कि मैं अपने गार्बेज में कभी 1 पैसे ढूंढ लेता हूँ, यहाँ तक कि 10 रुपये भी ढूंढ लेता हूँ। उसकी आंखें चमक रही थी ये सब कहते हुए। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more। यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि अगर आपको कूड़े में से एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो आप लालच में उसमें और ढूंढोगे, और चीज़ें प्राप्त करने के लिए उसमें ढूंढोगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फॉर व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि गार्बेज में गार्बेज का मतलब पेरेंट्स के लिए अलग था और चिल्ड्रंस के लिए अलग था। फॉर द चिल्ड्रंस इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीनिंग ऑफ सर्वाइवल। जो मीनिंग बच्चों के लिए था वो था रैप्ड इन वंडर, यानी कि उनके लिए मौज मस्ती का ही एक साधन था कुछ कुछ ढूंढना, कूड़े में कुछ भी मिल जाता था। लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे उनके लिए वो जीविका यापन के लिए एक सहारा था, यानी कि वे अपना जीवन चलाते थे उससे। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। आई लाइक यहाँ मैं सुबह सुबह एक दिन सर्दी की सुबह साहेब को ऑथर ने देखा कि वह एक फेंस गेट के पास खड़ा हुआ है पड़ोस के क्लब में, यानी कि प्लेनिंग का क्लब था वो, जहाँ पे दो यंग आदमी वाइट कलर की ड्रेस पहनकर टेनिस खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जो वो है साहेब है वो बोलता है कि मुझे गेम पसंद है। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मतलब मुझे पसंद है यहाँ पर खड़े होकर इन गेम को देखना। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स। वो कहता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे वहाँ पे स्विंग को यूज़ करने के लिए देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज, और साहिब ने भी यहाँ पर शूज़ पहने हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज दिखाई दे रहे थे। स्विंग यहाँ पे पहले एक लाइन आई थी, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। स्विंग यानी कि यहाँ पे झूलने देता है उसे। और अब यहाँ पे उसने साहेब ने शूज़ पहने हुए थे टेनिस के खेलते हुए जो शूज़ पहने जाते हैं वो वाले शूज़ पहने हुए थे उसने, और वो बहुत ही अलग दिख रहे थे, डिसकलर्ड दिख रहे थे क्योंकि उसके जो शर्ट और शॉर्ट्स थे वो बहुत ही पुराने थे और जो शूज़ थे उनका कलर थोड़ा सा ब्राइट था। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। उसने एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर बताया कि किसी ने मुझे ये सब दिया, ये शूज़ दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु प्रिफर रिफ्यूज टू वेयर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम डज नॉट बॉथर दैम। यानी कि जो बच्चा है उसने इसलिए उसको दे दिए क्योंकि वो जो बच्चा था वो रिच था और उस शूज़ में दोनों पेयर ऑफ शूज़ में एक शूज़ में छेद निकला हुआ था, लेकिन जो छेद था उससे साहेब को कोई परेशानी नहीं थी इसलिए उसने वो शूज़ ले लिए। फॉर वन हु हैज़ वॉल्ड बेयर फुट इवन शू विद अ होल इज़ अ ड्रीम ट्रू कम्स ट्रू। बेशक उसमें एक होल था लेकिन नंगे पैर घूमने से अच्छा तो उसके पास उसके ड्रीम का शूज़ उसे मिल गया, यानी जिसके वो सपने देखा था उसे वो शूज़ मिल गए। बट द गेम इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम था जो जिसे देखना उसे पसंद था वो उसके पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर था।
यानी कि वो गेम नहीं खेल सकता था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। एक सुबह जब वो ऑथर साहेब को देखती है तो क्या देखती है कि साहेब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, मिल्क बूथ के रास्ते की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथों में स्टील की कैनिस्टर थी, यानी स्टील के डब्बे थे। आई नो वर्क इज अ टी स्टॉल आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द स्टैंड। आई एम पेड 100 rupees एंड ऑल माई मील्स डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। यहाँ पर साहिब साहिब ऑथर को इशारे से बताता है कि मैं अब यहाँ पे काम करने लगा हूँ, टी स्टॉल पे काम करने लगा हूँ, और वो उस दुकान की तरफ टी स्टॉल की तरफ इशारा करता है। और फिर वो बताता है कि मुझे 800 rupees मिलते हैं और मेरे को खाना मिलता है यहाँ पर। फिर जो ऑथर हैं वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। His face I see has lost the carefree look। लेकिन जब वह उसके फेस को देखती है तो वह एक लापरवाह फेस होता है, यानी कि उन्हें लगता है कि काम वह ज़बरदस्ती ही कर रहा है, क्योंकि किसी को भी अपना खेल कूद का छोड़ के ये सब काम करना पसंद नहीं है। द स्टील कंसिडर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही विल कैरी सो लाइट ओवर द शोल्डर्स। अब जो ऑथर है वो कहती हैं कि जो पहले वह एक प्लास्टिक का थैला उठाता था वह ज़्यादा हल्का लगता था इन स्टील कंसीटर से। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका खुद का अपना था, लेकिन जो ये कंसीटर्स हैं वो किसके हैं, उस आदमी के हैं। और हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी वो टी शॉप है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, जो साहेब है वो खुद का मास्टर ज़्यादा दिनों तक अपने खुद का मास्टर नहीं बना रहा।